हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गीता, जल्दी आरती शुरू हो गई है। हाँ हाँ बस आई। खुद की भलाई हो, इस इच्छा से दूसरों की बुराई चाहने का सबसे दुखद सत्य ये है कि अक्सर ये इच्छा पूरी भी होती, पर क्या दूसरों की बर्बादी हमें वाकई में खुशी दे सकती है? हमें एक नई शुरुआत दे सकती है? किराया मालती बहन, उनसे बात करने से भी क्या होगा कमल? बात ना करने से ही हालत हुई अपनी टीचरों वाली। अब जो है सो है कमल, कर कर आके क्या कर सकते हैं? हमारी किस्मत, किस्मत मजबूरी है, मजबूरी बिना बात की मजबूरी साली। किसी दूसरे के खात्मे का सपना देखने से खुद की जिंदगी सवरती है भला? जब इंसान उस सपने को एक भयंकर हकीकत में बदल देता है तब क्या होता है? सर एक खबर आई है, बुरी खबर। बोलो जगन। सर उम्मीद की जा रही थी कि अजीत वर्मा के बारे में कोई खबर होगी, लेकिन टिप मिली है कि नक्सली हमला होने वाला है। सर ये हमला गेस्ट हाउस पे हो सकता है और टारगेट आप और विनोद दोनों हैं। जगन अब हम पीछे तो नहीं हटने वाले। सर प्लीज सिर्फ अभी के लिए एक कदम पीछे हट जाइए, जब तक आपके पास टीम पहुंचेगी देर हो सकती है। सर वक्त सही नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ अभी के लिए एक कदम पीछे हट जाइए। सर प्लीज। मोहित बेटा, तेरे जयकिशन दादा और गीता दादी कहीं बाहर गए हुए क्या? पता नहीं पंडित जी, पापा ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन हुआ क्या? दो दिन से आरती में आए नहीं ना वो दोनों। मैं और पापा तो कुछ काम में बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन दादाजी और दादी जी को तो आना चाहिए था। सालों हो गए, एक दिन भी चूके नहीं थे। मैं काम करता हूँ, उनके घर पे जाकर पता करके आता हूँ। रुको मोहित, मैं भी साथ में चलता हूँ। मोहित जरा अपने पिताजी से पूछो कहीं बाहर वार तो नहीं गए जय किशन जी गीताजी के साथ। नहीं मोहित, चाचा जी ने मुझसे तो कुछ कहा नहीं कहीं बाहर जाने के बारे में, और वैसे भी वो अपने आप कहाँ जाएंगे, इतने सालों से शहर के बाहर तो निकले नहीं कभी। हाँ पापा, पर मैं पंडित जी के साथ दादाजी के घर के बाहर हूँ और दरवाजे पे तो ताला लगा है। जयकिशन जी को आखिरी बार मैंने परसों 15 तारीख को देखा था जब वो टहलने जा रहे थे। ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चले गए? ऐसा कैसे हो सकता है, चाचा जी मुझे बिना बताए कहीं जाते ही नहीं। आनंद जी, घर के अंदर से बदबू आ रही है। हाँ पापा, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। Thank you.
सर घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले, बाहर जो ताला लगा था वो घर का ही है। हर रोज आरती पर जाने से पहले यही ताला लगा कर जाते थे दोनों। ये ताला कातिल नहीं लगाया होगा। और सर लूट वूट के भी कोई निशान दिख तो नहीं रहे? वैसे सर देखने से कोई अमीर दंपति नहीं लग रहे हैं, बेडरूम में सिर्फ एक अलमारी है, सारे का चेक कर रही हो सर? अलमारी में एक लॉकर है, लगता नहीं उसे खोला गया है, पर उसकी चाबियां भी नहीं मिल रही। मोबाइल फोन्स? सर दोनों के मोबाइल फोन्स अभी तक नहीं मिले। जब मैंने ट्राई किया तो चाचा जी और चाची जी दोनों के फोन बंद आ रहे थे। कोई बच्चे नहीं इनके? एक बेटी है नूपुर, नूपुर हुड्डा। वो इनके साथ नहीं रहती? वो मजनू खेड़ा में रहती है अपने पति कमल और बच्चों के साथ। आपने इत्तला दी उन्हें? इतना हड़बड़ा गया था कि भूल ही गया। वैसे लॉकर की चाबी भी मिली नहीं हमें? वो तो हमेशा चाचा जी और चाची जी के पास ही रहती थी, बड़े जतन के साथ संभाल के रखते थे दोनों। नहीं आनंद भैया, ये नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नूपुर, मेरे सामने चाचा जी और चाची जी की लाशों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। इतना बड़ा लॉकर मिडिल क्लास घर में, ऐसा क्या रखा होगा इस लॉकर में? सर ये जिसने भी किया है वो जरूर कोई जान पहचान का है। कातिल जान पहचान का है या कोई अनजान, लेकिन जो भी है अभी तक लॉकर की चाबी नहीं मिली है, तो क्या कातिल ने लॉकर खोलकर इस लॉकर से कुछ निकाला होगा? दोनों की मौत गला दबाने से हुई है। मौत दो दिन पहले हुई होगी, यानी 15 सितंबर को दोपहर के वक्त। डॉक्टर, क्या आपको बॉडीज पर कोई उंगली का निशान मिले? वैसे क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए हैं। बॉडी पर उंगलियों के निशान के लिए हमें अलग से चेक करना होगा। हाँ, मेल विक्टिम जयकिशन दहिया का गला हाथों से दबाया गया था, लेकिन गीता दहिया के केस में ऐसा लगता है कि गला घोटने के लिए किसी कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। कातिल के साथ संघर्ष के कोई निशान? बिल्कुल नहीं। कातिल एक तो जान पहचान का रहा होगा और इन दोनों के मुकाबले मजबूत भी रहा होगा। इन दोनों को तो भनक भी नहीं लगी होगी कि मौत इनके करीब है। सर अगर कोई ये कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नूपुर है। क्या कृष्ण जी की सगी बेटी? पर गीता चाची की सौतेली। तो क्या कत्ल करने जितनी अनबन थी? थी सर, बिल्कुल थी। मैंने बाकी पड़ोसियों से भी बात की थी, इन किसी ने भी 15 सितंबर दोपहर को जयकिशन जी के घर जाते या वहां से आते हुए किसी को नहीं देखा। पर नंदलाल जी, कोई तो घर के अंदर गया और घर से निकला भी, वो भी ताला लगाकर। किसी का ध्यान नहीं गया होगा। वैसे भी किसी को पहले से थोड़ी ही मालूम न होगा कि कोई आके इतना बड़ा हत्याकांड करके जाएगा। ये बेटी नूपुर और भतीजा आनंद, इन लोगों का घर पे ज्यादा आना जाना नहीं होता था, उनके ध्यान में क्यों नहीं आई ये बात? आनंद का तो लगभग रोज ही आना जाना होता था, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हीं दो दिन जिस दिन कांड हुआ था वो नहीं आया, और नूपुर के बारे में तो हमें कुछ ज्यादा पता नहीं। अच्छा, इन्होंने अपने घर में काम करने के लिए किसी को तो रखा होगा, कोई तो आता जाता होगा। मैडम आप जयकिशन जी को नहीं जानती है, मतलब अपने घर का सारा काम वो खुद ही करते थे। और उनकी पत्नी गीता, वो तो किसी काम में कम नहीं थी, अपने घर का सारा काम खुद करती थी। गोविंद। हाँ बोलिए सर। आप 20 रुपए वाला चावल, दाल ठीक है, और 15 रुपए का तेल दे दे। तो क्या बताया आनंद, क्यों मरवाया नूपुर ने अपने पिता और सौतेली माँ को? प्रॉपर्टी के लिए सर, अपने पिता की प्रॉपर्टी, जो मेरे जयकिशन चाचा नूपुर के नाम कभी नहीं करते। प्रॉपर्टी उस पुराने घर के लिए नूपुर ने दो दो मर्डर करवाए? नहीं सर, वो घर नहीं। आनंद ने बताया कि जयकिशन जी की और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, ये आनंद खुद उन सभी जगहों से किराए इकट्ठे करता था और जयकिशन जी को देता था।
एक तरीके से जयकिशन जी का खजांची है ही आनंद। ये आनंद जयकिशन जी का भतीजा है ना? जी हाँ सर, बड़े भाई का बेटा जिनकी डेथ हो चुकी है। और ये गीता जी नूपुर की सौतेली माँ थी। सौतेली माँ भी तो माँ ही होती है ना सर। आपके पति आपके साथ नहीं आए? कमल हुडा। मेरे पति टेम्पो चलाते हैं, चंडीगढ़ गए डिलीवरी पर। क्या बोल रहे नूपुर, कब हुआ? अभी अभी आनंद भैया का फोन आया था। कब हुआ कैसे हुआ उन्हें भी ठीक से नहीं पता। अच्छा तू एक काम कर, जल्दी से जल्दी पहुंच वहाँ पे। मेरे पति कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे सर। आप लोगों को पता चला ये सब किसने किया? कुछ चीजें पता चली, जैसे कि कातिल जो भी होगा पहचान का ही रहा होगा। शायद बेल बजाकर घर में दाखिल हुआ होगा और उसके लिए दरवाजा खोला गया, फिर चाय बनी, पराठे बने, जो आपकी सौतेली माँ गीता दहिया ने अपने हाथों से बनाए। कातिल ने चाय पी, पराठे खाए और फिर आपके पिताजी जयकिशन और आपकी सौतेली माँ गीता दोनों का गला दबाकर दोनों को मार डाला और फिर उन दोनों के फोन लेकर बाहर के दरवाजे पर ताला लगाकर चुपचाप वहां से चला गया। आपके घर में एक लॉकर है, आपको तो पता ही होगा। उस लॉकर की चाबी हमें नहीं मिली, हम उस लॉकर को खुलवा रहे हैं। और इतना तो तय है, ये दोनों कत्ल सिर्फ दो मोबाइल फोन के लिए नहीं हुए। कातिल जो भी था आपके माँ बाप की पहचान करा होगा। पहचान का? पर कौन? नूपुर जी, हमने सुना है कि आपके पिताजी की काफी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ तो कितनी होंगी? मुझे नहीं पता सर, आप आनंद भैया से पूछ लीजिए, पापा का सारा कामकाज वही संभालते हैं। उनसे भी पूछ लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आपके पापा की प्रॉपर्टीज के लिए आपके पिता जयकिशन और आपकी सौतेली माँ गीता को कौन मार सकता? ये बार बार आप सौतेली माँ क्यों कह रहे हैं? कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं कि मैंने उनका कत्ल करवाया? नूपुर जी, हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ छोटी छोटी रकम के लिए लोगों ने अपने सगे माँ बाप का कत्ल किया। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे लिए कोई भी प्रॉपर्टी माँ बाप से कीमती नहीं हो सकती। दो करोड़ पक्का? दो बार गिने गए हैं सर, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। एग्जैक्ट अमाउंट है 2,45,000। और लॉकर तोड़ने की कोशिश नहीं की गई? जी नहीं सर, कोई निशान नहीं मिले हैं। अगर लॉकर खोला गया होगा तो पक्का चाबी का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर लॉकर खोला गया तो लॉकर में इतनी ज्यादा रकम थी, कातिल अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? जयकिशन दहिया और गीता दहिया दोनों के सेलफोन्स पालमगंज टावर की रेंज में स्विच ऑफ हुए और लास्ट लोकेशन भी घर के आसपास का ही शो हो रहा है। और इस दौरान कोई फोन कॉल? सर कॉल रिकॉर्ड से 15 सितंबर की दोपहर को किसी के भी आने का कोई क्लू तो नहीं मिल रहा है। जान पहचान के लोगों को घर आने से पहले फोन करने की जरूरत नहीं होती, खासकर करीबी लोगों को। वैसे सर कत्ल के वक्त नूपुर हुडा और कमल हुडा इन दोनों का फोन लोकेशन मजनूखेड़ा सेलफोन टावर के रेंज में था, जहां पे उन दोनों का घर है। और किराए के हत्यारे घर में बेल बजाकर दाखिल नहीं होते, ना ही उन हत्यारों को कोई पराठे बनाकर खिलाता है, ना ही चाय बनाकर पिलाता। पर जो जान पहचान वाला आया उसे लॉकर और चाबी दोनों के बारे में मालूम रहा होगा सर, लेकिन उसने लॉकर में रखी हुई 2 करोड़ से ऊपर की रकम वो छुआ तक नहीं। ये दोनों मर्डर ना तो किसी सुपारी किलर ने किए और ना ही किसी पेशेवर लुटेरे ने, ये दोनों कत्ल शायद सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हुए। जी मेरे खाते के हिसाब से कुल मिलाकर 2,12,45,000 होने चाहिए, मतलब 12 लाख रुपए कम है। इतना सारा कैश कहाँ से आया? ये सारे पैसे किराए से आते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज हैं? काफ़ी सारी, बिल्डिंगें हैं, दुकानें हैं, चाचा जी टाइम टू टाइम खरीदते रहते थे। सारी प्रॉपर्टीज यही हैं? जी हाँ, यही फरीदाबाद में। जयकिशन चाचा जी की कुल मिला के 3 बिल्डिंगें हैं, हर बिल्डिंग में तकरीबन 100 के करीब फ्लैट्स हैं, फिर सारे फरीदाबाद में अलग अलग जगह दुकानें भी हैं, सभी किराए पर चढ़ा रखी हैं। कुल मिलाकर हर महीने का किराया आता है लगभग 18 लाख रुपये।
18 लाख किराया हर महीने और सारा कैश। जी हाँ, मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आनंद जी, अब सवाल यह है कि अगर कोई पैसे लूटने के इरादे से आया था तो ईमानदारी से 12 लाख रुपए लेकर क्यों जाएगा, जबकि सामने लॉकर में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम पड़ी थी। यही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ सर, ये सब कुछ नुपुर ने किया है, और आप नुपुर को पकड़ने की बजाय उसे ही शिकायतकर्ता बना बैठे, उसके साथ नरमी से पेश आ रहे हैं आप लोग। और आप नुपुर का नाम इतने दावे के साथ कैसे ले रहे हैं? क्योंकि सर, जय किशन चाचा जी उसे अपने दिल और अपनी जायदाद दोनों से बाहर निकाल चुके थे। और ये बात आप कैसे जानते? क्योंकि पहली बात, मैं उनका भतीजा हूँ, और दूसरी बात, मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। आनंद जी, आप हमें ये बताइए, जय किशन जी ने नूपुर को अपने से दूर क्यों किया? क्योंकि नूपुर का दिमाग टेढ़ा नहीं है, बेरहम भी है। अपने सौतेले भाई को उसने मार डाला था। मतलब अपने पिता जय किशन और सौतेली माँ गीता के? जी हाँ, बेटा सुभाष, अगर आज वो जिंदा होता तो सारी प्रॉपर्टी, पैसा वैसा, सबका वारिस वही होता। किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा क्यों छोड़ के चला गया? बच्चा, सुभाष मेरे बेटे मोहित से सिर्फ 1 साल बड़ा था। तो आपका ये कहना है कि नुपुर ने सुभाष का कत्ल करा दिया? फिर तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई होगी। आज तक कौन सी पुलिस जादू टोना साबित कर पाई है मैडम? लेकिन होता तो है ना, नुपुर ने ही सुभाष को नशीली दवाओं का आदि बनाया, नुपुर ने ही सुभाष को मौत की तरफ धकेला, लेकिन दिखा ऐसा कि नशीली दवाओं की लत की वजह से जान चली गई सुभाष की। मतलब आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सुभाष का कत्ल हुआ, ये सिर्फ आपकी सोच है कि नूपुर ने उसे मार दिया? यही सच है सर। सुभाष को हटाने के बाद भी जब नूपुर को लगा कि उसका सगा बाप उसे एक दमड़ी नहीं देगा, तब उसने अपने बाप और सौतेली माँ दोनों का सफाया करवा दिया। दरअसल साहब, ये गीता नूपुर से बहुत डरती थी। जादू टोने वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। अरे ये सब कही सुनी बातें, पर साहब ये मानना मुश्किल लगता था कि नूपुर ने अपने भाई सुभाष को मार डाला। अंतिम संस्कार के वक्त हमारे आदमी नजर रखे हुए थे, लेकिन गीता जी की फैमिली में से कोई भी शरीक होता हुआ नहीं दिखा। कहाँ से थे वो? पता नहीं, लेकिन हमने कभी उनके रिश्तेदारों को ना कभी देखा ना कभी उनके बारे में सुना। पर आपने ये तो सुना होगा ना, महिमा भाभी यानी कि नूपुर की माँ, जय किशन भाई साहब की पहली पत्नी, वो जब जिंदा थी तभी जय किशन भाई साहब ने गीता से शादी की थी। अरे वो पुरानी बात है, 19-20 साल पहले की बात। ये जय किशन जी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आई कहाँ से? और उसके तुलना में वो यहाँ खुद इतनी खस्ता हालत में रहते थे। तकदीर की बात है, जयकिशन जी इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और दिहाड़ी मजदूर थे। क्या? उनके पिताजी की जमीन थी पर सारी बंजर। पर गीता के आने के बाद समझो हरी भरी हो गई थी। जी हाँ, जब फरीदाबाद के इस इलाके में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ तब चाचा जी की यहाँ पर काफी जमीनें थी। जमीनें एकदम से सोने के भाव की हो गई, कुछ तो उन्होंने बेच दी, कुछ पर बिल्डिंगें बनवाई, किस्मत ही पलट गई उनकी। आपके चाचा जयकिशन जी ने पहली पत्नी महिमा जी के होते हुए दूसरी शादी की गीता जी से, माजरा क्या था? और दूसरी शादी की वजह से परिवार में किसी किस्म की टेंशन नहीं हुई? सर उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इतना करीब भी नहीं था चाचा जी के, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन नूपुर के बर्ताव से तो यही जाहिर है कि ज़बरदस्त रंजिश रही होगी, इसीलिए तो उसने पहले सुभाष को मार दिया और अब चाचा चाची को। साहब ये नूपुर हुड़ा का पति टेम्पो ड्राइवर कमल रोज पी पाकर घर में हल्ला मचाता है, झगड़ा एक ही बात को लेकर कि बाप इतना रईस था और बेटी नूपुर को एक पैसा नहीं दिया। मारपीट? सर ऐसा तो कुछ पड़ोसी ने नहीं बोला, लेकिन एक बात है कि ये नूपुर भी गुस्से में बहुत भला बुरा सुनाती थी, कभी अपने पति कमल को कोसती तो कभी अपने माँ बाप को कोसती। तो इस कमल का पूरा चट्ठा निकाल, इस कमल पर मुझे तगड़ा डाउट जा रहा है। दरवाजा किसी जान पहचान वाले के लिए खोला गया, फिर ये कमल तो सारा दामाद ठहरा, ऊपर से अक्सर परिवार वाले फोन करके घर नहीं आते, ये भी साला ऐसे धमक गया होगा बिना फोन किए 15 सितंबर की दोपहर को। सुभाष की मौत ज्यादा ड्रग लेने की वजह से हुई थी सर, डॉक्टर के सर्टिफिकेट में भी यही लिखा हुआ है। दरअसल सर हम सब उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ करते थे, आप ये कह सकते हैं कि हद से ज्यादा, इसलिए बिगड़ गया था, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर बुरी संगत में पड़ गया था।
सुभाष, सुभाष उठ बेटा। ऐसी कोई रात नहीं है जब नशे की हालत में नहीं लौटा। कब घर आया, कब सोया, कुछ पता ही नहीं चला। एक रोटी तक नहीं खाई बेचारे ने। हम सब ने उसके नशे की लत छुड़वाने की बहुत कोशिश की सर। मैं तो उसे नशा मुक्ति केंद्र भी ले गई थी। हम भर्ती कराते वो भागा था। आपके पापा जयकिशन दहिया ने आपकी माँ महिमा दहिया के जीते जी दूसरी शादी की, गीता दहिया जी से। सर मेरी माँ लंबे अरसे से बीमार रहा करती थी और पापा की दूसरी शादी के बाद वो चल बसी। और जयकिशन जी की दूसरी शादी से काफ़ी तकलीफ हुई होगी आपकी माँ को और आपको भी। नेचुरल है, तकलीफ तो हुई होगी। मैम आप मुझ पर फिर से उंगली उठाने की कोशिश करें। आपके पापा जयकिशन दहिया आपको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देना चाहते थे, सच है? और आपके पापा अपने बेटे सुभाष की मौत का कारण आपको मानते हैं और आपकी सौतेली माँ गीता जी भी। जब मैं 12 साल की थी उस समय माँ काफी बीमार रहा करती थी और पापा को वारिस चाहिए था, एक बेटा जो सभी को चाहिए होता है। मेरे पति को भी चाहिए, भले ही हमारे हालात इतने खस्ता है। पापा को बेटा चाहिए था वारिस और मेरी माँ दोबारा माँ नहीं बन सकती थी तो आपके पापा जयकिशन जी को वारिस देने की चाहत पूरी करने के लिए आपकी माँ ने उन्हें दूसरी शादी के लिए हाँ कर दिया। जी, माँ ने खुद पापा से कहा था कि वो दूसरी शादी कर ले। और लड़की भी आपकी माँ ही ढूंढ के लाई थी? मेरे पापा के बड़े भाई सुरेंद्र दहिया यानी कि आनंद भैया के पापा वो लेकर आए थे गीता जी को, मेरी सौतेली माँ। मुझे महिमा से बात करनी होगी, पता चला उसे ये ठीक ना लगे। पहले ही तुम बात कर लो जयकिशन। गीता साफ साफ बोली है कि अगर शादी होगी तो ही वो रुकेगी, वरना नहीं। महिमा से अभी बात कर लेता हूँ। महिमा को इस बात में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वैसे भी वो तुम्हें बेटा नहीं दे सकती। मेरी माँ ने ही रजामंदी दी थी, मैं भी अपने पापा की शादी में मौजूद थी अपनी माँ के साथ। यहाँ पास के मंदिर में ही शादी हुई थी सर। लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा होगा सर कि शादी के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर सच तो ये है कि मैंने और मेरी माँ ने दोनों ने गीता जी को अपनाया था और जब सुभाष हुआ सुभाष को भी, सगा सौतेला जो भी कहें आप, दिल से अपनाया था सर। पर गीता जी आपको अपने बेटे सुभाष का कातिल समझती थी, ये सच है या अफवाह? बदनसीबी से इस अफवाह को गीता जी सच मान बैठे थे सर। क्यों? क्योंकि सुभाष के आने के बाद पापा के जैसे बंजर जमीन पे सोना हो गया, लेकिन उसकी मौत के बाद उनकी सारी जायदाद की मैं इकलौती वारिस बची। और गीता जी ने ये मान लिया कि उनके बेटे सुभाष को आपने मरवाया उनकी जायदाद के लिए। आप तहकीकात कर सकती हैं मैडम, डॉक्टर के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि सुभाष की मौत ज़्यादा ड्रग लेने की वजह से हुई थी, लेकिन शक का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता ना सर। अब आप लोगों को ही देख लीजिए, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। पर ये तो सच है ना कि सुभाष की मौत आपके घर में ही हुई थी और उस दिन हुई जिस दिन आपकी बेटी निधि का 9वां जन्मदिन था। भाभी लो, सुभाष कहाँ गया? सुभाष भैया अभी यहीं पर ही तो थे। वही तो सुभाष। अरे फिर से वही तलब तो नहीं लग गई? कमल यार कुछ भी बोलते हो तुम। सुभाष, ए सुभाष, 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 सुभाष बेटा, सुभाष, ए सुभाष, सुभाष बेटा, ए सुभाष, सुभाष बेटा, सुभाष। सुभाष ड्रग का आदि हो चुका था सर, उस दिन भी वो सबसे छुपकर नशा करने गया था। उसकी मौत का मुझे आज भी बहुत दुख है सर। जब मेरी कमल से शादी हुई थी तो सुभाष केवल 6 साल का था, मैंने उसे बच्चे जैसा प्यार किया। और आपकी माँ, असली माँ? वो भी सुभाष को बहुत लाड़ करती थी मैडम, और तब तो मेरे पापा इतने अमीर भी नहीं थे। आपको क्या लगता है मैडम, तब से मैं जादू टोना कर रही थी सुभाष पर या तब से उसे नशे की आदत डाल रही थी? पर आपके पापा भी तो यही मानते थे कि सुभाष को आपने मरवाया। उनको मेरे खिलाफ भड़काया गया था सर। हाँ मेरी
अक्सर पापा से कहा सुनी हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत अपनी जायदाद से आपको कुछ नहीं दिया। सिर्फ इसलिए नहीं सर, बल्कि इसलिए कि उस दौलत का इस्तेमाल उन्होंने खुद के लिए भी नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद फटीचरों जैसे हालत में रहते थे और हम सबको रखा था। देख लो, जो भी है मेरा है, मैं किसे क्या दूं क्या ना दूं इसमें मैं किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है पापा, कम से कम खुद को तो दे दीजिए वो सुख सुविधा जो हर करोड़पति इंसान खुद को देता, अपने घर वालों को देता है। इसलिए तूने मेरे बेटे को मार डाला इन पैसों के लालच में? मैंने कुछ नहीं किया माँ। चुप कर, खबरदार जो मुझे माँ कहो तो। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, तुम दोनों को एक दमड़ी नहीं मिलेगी। तुम दोनों मेरी दौलत पर बुरी नजर अब मत डालो। जाकर बोल दे उस कमल को कि तुझे यहाँ ना भेजा करे, मेरा भेजा खाने कुछ नहीं मिलेगा तुम दोनों को। सर मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे सुभाष की मौत का जिम्मेदार मानते थे। ये भी सच है कि वो मुझे अपनी जायदाद से कुछ भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही मिलेगा ना सर। पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि मैंने उन्हें नहीं मरवाया, ना ही सुभाष को। बचपन में मैंने बहुत गरीबी देखी सर, और आज तो उससे भी ज्यादा गरीब हूँ। शायद मेरी यही गरीबी आप लोगों के मन में मेरे लिए शक पैदा कर रही है। लॉकर से 12 लाख रुपए गायब हुए, पर आप तो कह रहे थे कि करोड़ों थे लॉकर में। तो शायद 12 लाख सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए चुराए गए हों। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लोगों को गुमराह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। कौन बोले नूपुर जी? सर मेरी सौतेली माँ को मेरे ताऊ यानी कि आनंद भैया के पापा लेकर आए थे दंतेवाड़ा के गरीब इलाके गुंजलगढ़ से। हमें उनके अतीत के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं, लेकिन ताऊ जी को और फिर आनंद भैया को पापा के एक एक प्रॉपर्टी की खबर थी। मेरे पापा शायद दिल ही दिल में जानते थे कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे कभी इतनी नफरत नहीं की कि अपनी सारी जायदाद आनंद भैया या उनके बेटे मोहित के नाम कर दे। लेकिन आनंद भैया उनकी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में निकल गई कि मेरी भरपूर बदनामी हो और वो समाज के सामने संत नजर आए। सर अगर किसी ने पहले से प्लानिंग की है ना तो वह आनंद भैया, और उससे पहले ताऊ जी। गीता जी को हमारे घर में लाकर मेरी सौतेली माँ। जा मोहित, ये जमा करा दे। जी पापा। चाय। बोला ना नहीं, तिजोरी में पुलिस वालों को कोई वसीयत नहीं मिली। तुझे क्या लगता है तेरे बाप ने कोई वसीयत बनाई नहीं? ना बनाई तो हमारे लिए सबसे अच्छा ना। हो सकता है आनंद भैया के पास हो, वैसे भी बहुत चालाक इंसान है, एन मौके पर सबके सामने लाकर रख सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। जहां तक नूपुर हुडा की बात है साहब, अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके सामने नूपुर ने कभी अपनी जुबान पे जादू टोने की बात लाई हो। नूपुर का पति कमल, उसकी क्या रिपोर्ट है? दारू तो मजबूत पीता है साहब, और दोनों पति पत्नी कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा करते हैं कि ससुर करोड़पति था और दामाद रोडपति टेम्पो ड्राइवर। और ये जय किशन का भतीजा आनंद, उसका बेटा मोहित? साहब अभी तक कुछ खुलकर तो सामने नहीं आया, लेकिन एक बात तो कोई अंधा भी बोलेगा, ये दोनों परिवार आनंद दहिया का और नूपुर हुडा का एक ही बात की आस लगाए बैठे थे कि कब ये जय किशन मर जाए और कब इसके सोने के खान पर ये कब्जा कर सके। मैडम 19 साल पहले यहाँ दंतेवाड़ा से ले जाई गई थी, तो कुछ तो और डिटेल्स चाहिए। गीता का पूरा नाम क्या था, बाप का नाम, माँ का नाम क्या था? देख सुमित, अभी तक तो हमें ये भी नहीं मालूम कि गीता जी का असली नाम गीता ही था कि कुछ और। जो ये जानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं काम करती हूँ, तुझे गीता जी की अभी की फोटो भेजती हूँ। अभी की फोटो ठीक रहेगी मैडम। लगता है नूपुर ने आप लोगों पर भी जादू टोने की छड़ी घुमा दी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। हमें पता चला है कि तुम जय किशन जी की प्रॉपर्टी पर बराबर नजर रखे हुए थे। सर नजर रखने और बुरी नजर रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। नजर तो मैंने ही रखी थी, इतने सालों से ईमानदारी से वफादारी से चाचा जी के सारे काम करता था मैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके जाने के बाद वो सब कुछ मेरे नाम छोड़ जाते, सारे की सारी प्रॉपर्टी। साफ साफ चाचा जी ने खुद ये मुझसे बात कही थी, गीता चाची के सामने ही कहा था। मैंने बड़ी ईमानदारी से सगे माँ बाप की तरह सेवा की है उनकी, और फिर किराया इकट्ठा करने का काम उन्होंने ऐसे नहीं सौंप दिया था मुझे, एक एक पैसे का हिसाब दिया करता था मैं उनको। आप चाहो तो आप रजिस्टर देख सकते हो, और तिजोरी में 12 लाख रुपए कम थे, ये बात भी तो मैंने ही आपको बताई ना। जय किशन जी ने कोई वसीयत बनाई थी? जहां तक मुझे पता है नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात जरूर की थी बनाने के बारे में,
यही कि वो सब कुछ मेरे और मेरे बेटे मोहित के नाम कर देंगे। और उनके जाने के बाद अब ये सारी प्रॉपर्टी नुपुर के नाम ही होगी। हाँ तो नुपुर के नाम दो दो खून भी तो हैं, उनका क्या? चाचा जी सब कुछ मेरे नाम करने ही वाले थे, उससे पहले नुपुर ने चाल चल दी। लेकिन हमें अभी तक नुपुर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। तो इसीलिए उसके इशारे पर आप मुझ पर साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे पिताजी सुरेंद्र दैया, जयकिशन दैया जी के बड़े भाई, गीता जी को वही लाए थे 19 साल पहले। तो इसी हिसाब से तो हो सकता है साजिश 19 साल पहले हो गई। छोड़िए सर, मेरे पापा तो बेचारे अफसोस करते करते गुजर गए। किस बात का अफसोस? यही कि उन्होंने अपने हिस्से की बंजर जमीन कौड़ियों के दाम बेच दी और कुछ साल बाद चाचा जी को उसी बंजर जमीन के करोड़ों मिले, वो एकदम से रईस हो गए। मेरे पापा ने भी कुछ सालों तक इंतजार किया होता तो जरा सोचिए आज मैं कहां होता। वैसे तुम्हारे पिताजी सुरेंद्र कहां से लाए थे गीता जी को? रायपुर काफी आना जाना रहता था उनका, वहीं से लेकर आए थे गीता चाची को। लेकिन सर आप लोग बेकार में अंधी गली में दौड़ लगा रहे हैं, कातिल आप लोगों के सामने है नुपुर, और वो मेरा नाम देकर आप लोगों को गुमराह कर रही है। सर फिंगरप्रिंट्स मिले तो हैं सभी जगह से, तिजोरी से भी, अब हम उन्हें छांटना शुरू करेंगे। रजत क्राइम सीन की स्टडी से ऐसा लगता नहीं रहा कि कातिल एक से ज्यादा थे। सर एक बार उंगलियों के निशान मैच किए जाएं तभी हम पक्के से कुछ कह सकेंगे। इस कत्ल का मकसद और सस्पेक्ट दोनों हमारे सामने, हमें इतना भी पता है कि कातिल जो भी है वो इस जोड़े का करीबी है। उन दोनों के गले इतने जोर से दबाए गए इसलिए पूरे चांसेस हैं कि कातिल मेल है। डॉक्टर अश्विन ने हमें लाशों के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स भेजे हैं, अब हम उन्हें हमारे कलेक्ट किए फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखेंगे। फिलहाल हमारे सामने 3 मेल सस्पेक्ट हैं, अनंत दैया का बेटा मोहित दैया और जयकिशन की बेटी नुपुर का हस्बैंड कमल हुडा। लेकिन फिलहाल हमारे पास इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं। रजत इस केस में फिंगरप्रिंट्स हमारे लिए एक बहुत अहम सुराग साबित हो सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको सारे सही एनालिसिस दूंगा। जयकिशन का फोन स्विच ऑन हुआ है, दूसरा सिम लगा के फोन यूज किया जा रहा है, फोन की लोकेशन यही फरीदाबाद की है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे तुम कौन बोल रहे हो भाई? पालमगंज पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी मेरा नाम घनश्याम साहू है। एड्रेस बोलो। साहब यही दोनों फोन मिले थे मुझे। इन दोनों फोन्स के बारे में कई सारी बातें करनी है तुझसे जो कि फोन पर नहीं हो सकती थी, सिर्फ हमारे लॉकअप में हो सकती है। लेकिन साहब इन फोन्स के बारे में आपको क्या बात करनी है? ये तो मुझे अचानक से मिले थे। कहाँ मिले? लाशों के बगल में, दोनों का गला घोटने के बाद। क्या साहब? शिवराम वो तो जयकिशन का पड़ोसी है ना, मेरी तो बात भी हुई थी उससे। पर इस एंगल के बारे में नहीं बताया होगा उसने। कौन सा एंगल रमेश? इस एंगल के बारे में ना तो आपसे आनंद दहिया ने बात की होगी और ना ही नुपुर हुडा ने, कि ये जयकिशन और गीता दहिया एक लड़का गोद लेने के बारे में सोच रहे थे। साहब अभी मैं यूं ही नंदलाल और पंडित मिश्रा से बात कर रहा था, तभी मुझे लगा कि लड़का गोद लेने वाली बात मुझे आपको बतानी चाहिए। कहीं बात चली थी, कोई कागज पत्री हुई हो? आपको ये बात कब पता चली? तकरीबन 1 महीना पहले। सब कुछ है पर छोड़ जाने के लिए वारिस थे। हाँ और जो था वो बेवक्त। लेकिन जयकिशन तेरी तो सगी बेटी है, नवासी है। वो सिर्फ नाम के वास्ते अपने हैं। ये सभी इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब मैं ऊपर चला जाऊं या सारा इन सब के नाम कर दूं। उन्हें मेरी और गीता की कहां पड़ी है? गीता भाभी जी क्या वो भी इस गोद लेने वाले फैसले में शामिल है? ये सुझाव गीता की तरफ से ही आया है। जयकिशन ने मुझे कोई नाम तो नहीं बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई फैसला ले लिया गया है। लेकिन किसे गोद लिया या लेने वाले थे ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। ये गोद लेने वाली बात नुपुर और आनंद को मालूम थी? नुपुर का तो मैं बता नहीं सकता साहब, लेकिन आनंद को ये बात शत प्रतिशत पता होनी चाहिए। मालती जी किराया। गोद लेने वाले थे? नहीं तो मुझे ये बात नहीं बताई पापा ने कभी। आपको किसने बताई सर? जिसने बताया नुपुर जी। पर ऐसा क्यों है कि आपके पापा ने ये बात आपको नहीं बताई बल्कि किसी और को बताई? ये सरासर मनगढ़ंत कहानी है सर। अगर आपको आनंद भैया ने ये बात बताई तो वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला ले ही नहीं सकते थे। पर हो सकता है ये फैसला लिया गया नुपुर जी, आपके पापा ने उनकी बात मान ली। हाँ ये मुमकिन है,
और मुझे पूरा यकीन भी है कि आनंद भैया ने जरूर कोई पट्टी पढ़ाई होगी पापा को या फिर गीता जी ने। वैसे भी वो दोनों पापा को और मुझे अलग करने पे तुले हुए थे। साहब मैं ईमानदारी से टैक्सी चलाता हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। उस दिन मैं वो नेहरू सर्कल के पास शौचालय गया था, वहीं पर दोनों फोन मिले मुझे साहब। पब्लिक टॉयलेट में तुझे एक नहीं दो दो फोन्स मिले, क्या बात है? पट्टी लगी थी उन पर जिस पर लिखा था भैया हम यहाँ लावारिस पड़े हैं हमें चुरा लो। मुझे लगा कि मैं वो दोनों फोन बेच दूंगा और मैं गया भी था बेचने के लिए। मोबाइल की किस दुकान पर गया था? साहब वो यूनिक मोबाइल सेंटर। तो फिर बेचा क्यों नहीं? साहब वो दुकानदार ने बोला कि इन दोनों फोनों का कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का जमाना है और कोई बच्चा भी बतौर खिलौना इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मुझे लगा कि मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और जैसे सिम डाल के फोन ऑन किया अब आप लोगों का दामाद बन गया हूँ। दामाद जी बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई आपने, अब हमें हकीकत सुनाइए क्योंकि इन दोनों फोन्स के मालिकों का कत्ल हो चुका है। सर, मेरा कोई हाथ नहीं है साहब इसमें। कातिल जो भी हो इतना तो हम भी जानते हैं कि वो इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं होगा कि विक्टिम का फोन अपने साथ लेकर घूमे। शायद ये घनश्याम सच बोल रहा हूँ सर। और अब ये गोद लेने वाला नया एंगल सामने आने से सिर्फ नूपुर ही हमारे सस्पेक्ट नहीं है बल्कि हमारा सस्पेक्ट आनंद भी है क्योंकि नूपुर और आनंद ये दोनों ही वारिस बनना चाहते थे। नक्सल कनेक्शन, ये कहाँ से आया सुमित? मैडम पता नहीं कनेक्शन कैसे आया पर मैं यहाँ गीता की फोटो लेकर उसकी फैमिली को खोज रहा था, पूरा गांव घूमा तब एक अजीत वर्मा से टकराया। मार्केट में वर्मा जी का नाम तो सुना ही है आपने, अब पैसा लेके आ जाना। बोलो अजीत वर्मा। हाँ क्या है? हमारे गोंजिलगढ़ में ये गीता थी, कोई 21 साल पहले हरियाणा फरीदाबाद में जा बसी, वहाँ जाकर गीता दहिया हो गई। कुछ सुना है, कुछ पता है इसके बारे में? तू है कौन? वो मैंने सुना है गांव में कि आप गीता को जानते थे। मैं नहीं जानता किसी गीता फीता को, पर तू कौन है? मैं वो फरीदाबाद पुलिस की मदद कर रहा हूँ। खबरी? ऐसे ही समझ लो। इस अजीत वर्मा का कोई नक्सल कनेक्शन है? मुझे यहाँ की उड़ती चिड़िया ने टिप दी कि अजीत नक्सलियों के साथ मिलता है। जब से मुझसे बात की इसने अपनी दुकान बंद कर दी और अपनी बीवी को लेके हवा हो गया। इस अजीत वर्मा का कोई नंबर है? हाँ पर बंद जा रहा है। फिर भी भेज मुझे। करोड़ों की जायदाद के मालिक लेकिन जिंदगी जीने का तरीका एकदम फर्टीचर, और फिर बुढ़ापे में बच्चा गोद लेने की पहल, और अब ये नेक्स्ट लाइट एंगल की पॉसिबिलिटी। ये डबल मर्डर केस असल में है क्या? एक चक्रव्यूह जैसा बन गया सर। आनंद ने हमें भेजा नूपुर के पीछे और नूपुर ने पलटवार किया और आनंद को ही संदिग्ध बना दिया। और सर इन सब एक सबसे बड़ा रहस्य गीता का पास्ट, जिसके बारे में शायद किसी को कुछ भी नहीं मालूम। इस वक्त हमारे सामने कई सवाल है। पहला सवाल, क्या जयकिशन जी ने कोई वसीयत बनाई थी? क्या कोई बच्चा वाकई अडॉप्ट किया गया था या फिर आनंद और नूपुर ने मिलकर कोई साजिश रखी और उस साजिश का गीता जी को पता था, या फिर ये सारी साजिश गीता जी ने रची लेकिन उनकी पीठ पीछे एक और साजिश रची गई जिसके तहत गीता जी को रास्ते से हटा दिया गया। अरे ललित। जी सर। इस राहुल ने नौकरी वोकरी छोड़ दिया क्या? कुछ बताया नहीं सर, ड्यूटी पर भी नहीं आ रहा है, उसने फोन भी बंद रखा सर। नूपुर तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मुझे ये बताओ ये गोद लेने वाली बात मुझसे छुपाई क्यों गई? गोद लेने वाली बात? कौन किसे गोद ले रहा है? पापा और गीता जी किसी लड़के को वारिस बनाने वाले थे गोद लेकर, पुलिस को किसी ने बात बताई? तो किसी ने ये तुक्का भगाया? किसने नूपुर? हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये किसी अंदर वाले का काम है, वरना कोई लॉकर में पड़ी हुई इतनी भारी रकम को छोड़कर उस रकम का एक छोटा सा हिस्सा लेकर फरार क्यों होता? क्या यह कहानी उन गायब हुए 12 लाख रुपयों के बारे में थी? क्या बाकी की इतनी भारी रकम पीछे छोड़ जाना कोई शातिर चाल थी हमें गुमराह करने की? लॉकर की चाबी कहीं मिली नहीं थी और उस राज की चाबी भी नहीं मिल रही थी जो उस कत्ल के असली मकसद का खुलासा करती। हालांकि सारे के सारे इशारे तो
प्रॉपर्टी की तरफ ही हो रहे थे। इस केस में हम हर एंगल टटोलने वाले थे, जिसमें शक की सुई विक्टिम गीता दहिया पर भी टिकने वाली थी। इस केस में हमारे सामने ऐसे ऐसे चौंकाने वाले मोड़ आने वाले थे जो डिपार्टमेंट ने सालों में नहीं देखे थे। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।